Assalamualaikum, क्या हाल हैं आप सबके? मैं आ गई हूँ दोबारा Thursday, gracing your Thursdays with another set of delicious recipes. This time again, I have one version sweet and another version savory. Let's start. I have semolina pancakes going on. एक हम उसका savory version बनाएंगे और एक हम बनाएंगे sweet, ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे versions, crepes, pancakes and I don't even remember what, puff pastries and stuff, बहुत ज़्यादा दोनों cases में सिखाए हैं. Just कभी कभार मुझे जैसे लोग इस तरह का फीडबैक देते हैं कि मुझे तो मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिस बात में. और अगर उन लोगों को मीठा नहीं पसंद तो उन लोगों के लिए सेवरी ऑप्शंस हैं. ओके, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे हैं स्वीट सेमोलिना पैनकेक्स जो हम बना रहे हैं ना. ये एक वैसे अरेबिक डिज़र्ट है, कताइफ के नाम से भी जानते हैं इसको. वो लोग चीज़, स्वीट चीज़ के मिक्स के साथ बनाते हैं. हम लोग स्वीट चीज़ इज़ नॉट पाकिस्तानी कल्चर, hence cheese is not easily available here in the market. Even if it is available, it's super expensive, sahi hai. So hum log uska hamesha substitute working kar rahe hote hain. Hamara is waqt substitute hai custard, homemade packet made custard with whipped cream. Theek hai, I'm just gonna get on with the सेवरी वाली मिक्सिंग, क्योंकि देखें दोनों केसेस में ये होता है कि आपको बैटर बना के और उसको थोड़ी देर रेस्टिंग के लिए रखना होता है. तो इस केस में भी यही है. तो हम सेवरी वाला मिक्स करके रख देंगे. स्वीट मैंने पहले शो से मिक्स करके रखा हुआ है, उसको फिर हम उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे. ठीक है, सेवरी के लिए आपके पास है सेमोलिना 100 ग्राम्स, इसके अंदर एंटर कर देते हैं डायरेक्ट. और आपके पास है योगर्ट एंड वाटर एज रिक्वायर्ड. ठीक है, और बाकी चीज़ें भी हैं उस तरह से जैसे हम यूज़ करते हैं ना ऑमलेट में डालते हैं. ठीक है, हम लोग डालते हैं चॉप्ड अनियंस एंड चॉप्ड टमेटोज एंड कोरिएंडर, जो भी शिमला वगैरह, या यही सारी चीज़ें मिलके फिर आपका एक बहुत यमी सा पिज्ज़ा भी बना रहे होते हैं. सो आप इसको या पैनकेक बोलें या पिज्ज़ा भी बोल सकते हैं. अगर यू नो, ये वन ऑफ दोज रेसिपीज़ है जिसका आपको डो को प्रूविंग के लिए नहीं रखना पड़ेगा, प्रूव नहीं करना पड़ेगा. डो वैसे ही आपका ना इसके अंदर बन रहा है. दिस इज लाइक योर बेस. ओके, आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड टमाटर और चीज और वो चिकन भी है इसके अंदर, सही है. तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे पहले चिकन वाला स्टार्ट कर देते हैं ताकि एक साइड पे ये होता रहे. चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, डू नॉट टेस्ट मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान. हाँ हाँ, वी डिड इट, यही. ओके, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ताकि चिकन को ना मैं एक साइड पे सॉटे कर दूंगी थोड़ा सा. बाकी चीज़ें आप वैसे इस पे अनकुक्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बट जो चिकन है उसको थोड़ा सा पकाना होगा, सही है, वो ज़रूरी है. और इसके साथ अगर बेशक आप चाहें तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं अनियंस टू जस्ट सॉफ्टन इट अप अ बिट, बिकॉज अनियंस वैसे बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, टफ. ये रहा, चलो जी, चिकन आ गया इधर. और इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट. और अनियन थोड़ा इधर डाली हूँ, थोड़ा मैं उधर के लिए रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बाइट हो भी, नॉट बैड. अच्छा, सॉल्ट हसबे जायका और पेपर. और भी इसमें आप सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, रेड वाइट पेपर या एक सीजनिंग डाल दें टिक्का सीजनिंग, और उसके अलावा फिर आपको कोई भी सीजनिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें इधर ही होंगी. Unless you like it like more spicy, तो फिर आप उसको स्पाइस अप कर सकते हैं. थोड़ा सा आहिस्ता और थोड़ा सा पानी ये रहा, ठीक है. ये हो गया है, थोड़ा सा ऑन द फ्रोजन साइड है ये कीमा, इसलिए वो उस तरह से हो रहा है, बट नॉट रियली, इट्स गोना ब्रेक अप नाइसली. अच्छा जी,
इसको मैं ना हल्का करके सुपर स्लो और फिर इसको कवर कर देंगे लिड से, ये री लिड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इधर हम ऐड करेंगे रिमेंडर ऑफ प्याज, रिमेनिंग प्याज, टमाटर, ठीक है, हरी मिर्ची, हस्बे जायका। अगर बच्चे खा रहे हैं और उनको इस तरह से हरी मिर्च नहीं पसंद है, अपने लाइक यू नो बच्चों की रेजिस्टेंस टू हीट कम होती है, तो आप वो उस ना डालें अपना, ठीक है। और ये स्किप भी कर सकते हैं, शिमला भी है इसमें और ब्लैक पेपर। थोड़ा सा कोरिएंडर अभी डालूंगी और फिर बाकी का बाद में, फॉर अभी एज इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, बाद में गार्निश। अच्छा जी, इसको हम मिक्स करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको साइड पर रख देंगे, ठीक है। सूजी। अच्छा, ये रेसिपीज़ बाय द वे मेरी बहुत स्वीट एडी हैं सबा, उनके लिए भी मैंने उस तरह से डिज़ाइन करी हैं, क्योंकि उनको एग एलर्जी ऐसे ही है। सो व्हेनेवर आई मेक फूड हियर शी इज़ अनएबल टू ट्राई इट बिकॉज मोस्ट ऑफ माई रेसिपीज़ हैव एग इन देम, सही है। सो या आई होप उनको भी पसंद आए, गिरना नहीं। इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हम इसको ना थोड़ा सा बैटर वाली कंसिस्टेंसी, इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, ये हो गया है। और इधर मैंने वो स्वीट खताइफ वाला मिक्सचर बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको हीट दे रही हूँ ताकि उसके अंदर होता है यीस्ट, तो यीस्ट एक्टिवेट करेगा इन डार्क मॉइस्टन एरिया, ठीक है। थोड़ा सा डैम्प कंडीशंस चाहिए होती हैं, मॉइस्चर, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज नीडेड का मतलब होता है हमेशा 2-3 टेबलस्पून, सही है। सो ज़्यादा नहीं डालें, बस दिस इज़ लाइक लगभग 2 टेबलस्पून, ज़रूरत पड़ी तो एक और आ जाएगा इसके अंदर। जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ है ये। और चिकन जो है ना, इसका एक एडिशन है, आप बग़ैर चिकन के भी बना सकते हैं। आप इसको ऐसे बना के ना, और लाइक ऑमलेट की चपाती स्टाइल बन जाएगा, तो वो आप कंज्यूम करें, चिकन ऊपर से डालें और उसके ऊपर आप मज़ीद चीज़ वगैरह डाल दें, तो एक पिज़्ज़ा ट्विस्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। हम जा रहे हैं ब्रेक के ब्रेक पे, और कीप वॉचिंग ब्रेक विद एन एक्सपर्ट, सी यू गाइज आफ्टर ब्रेक। राइट, हाई यू गाइज, वेलकम बैक। हमने ना ये स्वीट वाला बनाना शुरू कर दिया हुआ है। इधर एक सेकेंड, प्लेट ले लूँ मैं। इसको ना आपने एक साइड पे बनाना है, दोनों तरफ नहीं बनाना है, और थोड़ी लाइक एक मिनट और उससे कम में बन जाएगा। और इतना फ्राइंग पैन अगर तेज़ होगा तो जल भी सकता है, हल्का करके। अच्छा, अगर तो बहुत ज़्यादा रनी है आपका बैटर, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मैदा और डाल दें, अ टेबल स्पून और टू, ताकि वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पे एक और वो चाहिए, इसकी प्लेट चेंज करते हैं, रुको। अच्छा जी, मिसलाम नहीं, थोड़ा सा वही आयजा आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबाती, हाउ आर यू? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। सबाती जी बेटा, सबाती मैंने 10th नवंबर को आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था, और ट्रीट बॉक्स और ब्लेंडर विन किया था, लेकिन सबाती 2 मंथ्स हो गए मुझे
ट्रीट बॉक्स नहीं मिला, मैंने तो आपको पिक्चर भेजनी थी। अच्छा सही है सही है, आई विल फॉलो अप ऑन दैट, ठीक है? ओके ओके थैंक यू। आप शो देख रहे हो आजकल? गई? ओके चलो ओके टेक केयर। ओके नहीं, इसको उतार देते हैं इस प्लेट पे। ठीक है, इस तरह से करके आप इसके अच्छे खासे वैसे बनेंगे, ये बैटर बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या करना था मुझे, हाँ ऑयल, ये रहा। इसको बस ऑयल फॉर ग्रीसिंग है, नॉट टू मच। ओके ठीक है, इसको स्टर करते रहें, अगर वो क्योंकि सूजी है ना काइंड ऑफ नीचे भी बैठ रही है थोड़ी थोड़ी, इसको स्टर करके बना लें। अच्छा जी, एक और बस ये हो जाए तो फिर हम इसको फिट से बन रहे हैं। देखो इस साइड से कुक हुए हैं, इसके बाद हम सेवरी शुरू कर देंगे। अच्छा हाँ, सेवरी का बैटर बना के ये रहा साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। कस्टर्ड के अंदर व्हिप क्रीम ऐड करना है और इसको भी इसी तरह से बनाना है, बस छोटा इसलिए क्योंकि वो मैनेजेबल होता है, बड़ा बनाएंगे तो उसको फ्लिप करना और वो कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन मैनेजेबल होता है इस तरह से। चलो जी, थोड़ा सा ऊपर से बैटर को ना, चलो जी उतार देते हैं इसको। अब एक और, मैं दो से तीन और करके ना फिर हम लोग सेवरी वाला शुरू कर देंगे। ऑयल लगा लेते हैं थोड़ा सा, स्टिक तो वैसे नहीं करेगा बिकॉज यू नो नॉन स्टिक है, बट स्टिल थोड़ी सी ग्रीसिंग इम्पॉर्टेंट है। आप अपने चॉइस ऑफ वट एवर ग्रीस यू वॉन्ट टू यूज़, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी में बनाना है तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर दें और नहीं तो ऑयल, ठीक है। ये सही है, बस ये हो जाए फिर हम लोग सेवरी स्टार्ट कर देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबाती, हाउ आर यू? हाय, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब आप ही, मैं भी ठीक हूँ सब आप ही। मुझे आपका प्रोग्राम इतने मजेदार लगता है और आपकी रेसिपीज भी इतनी अच्छी लगती है और मैं ट्राई भी करता हूँ। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। सब आप ही, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी। जी बेटा बताओ। चॉकलेट पैन केक। चॉकलेट पैन केक, ओके 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 डन। सब आप ही, मेरी मामा आपका शो देख रही है, वो बहुत अच्छा उनको लग रहा है। थैंक यू बेटे, थैंक यू, आप मामा को मेरी तरफ से हाय बोल दो। ओके टेक केयर, लाफिस लाफिस। क्यूट 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 बच्चे हैं, क्यूट। चलो जी इसको इधर रख देते हैं, ये गर्म होता है उस तरह से जैसे मैं फ्रीली हाथ लगा रही होती हूँ ना, तो अम्मियाँ तो चलो ये कर सकते हैं, बच्चे देख रहे हैं शो वो ऐसे नहीं कर सकते, नहीं करना ठीक है। अच्छा
आई थिंक ये मैं बाकी ब्रेक में कंटिन्यू करती हूँ. अब यहाँ पे हम सेवरी स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इसको हल्का सा ग्रीस करके अब हमारा सेवरी बैटर इधर रखा हुआ है. इस तरह से ना आपका हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रनी ना हो और बहुत गाढ़ा और उस तरह भी ना हो. सही है, इसको आप रखेंगे और इसको चमचे से आप हेल्प करें इसकी स्प्रेड करने में. ठीक है, थोड़ा सा रफली सर्कल हो ये, इट डजेंट हैव टू बी अ वेरी प्रॉपर सर्कल. और स्वीट्स के लिए तो ये है कि यू कैन ऑल्सो कट इट इन टू सर्कल्स. बाद में ना आप जैसे कटर से, सर्कल कटर से या ग्लासेस, जो ग्लास होता है पानी पीने का वो भी सर्कल होता है, उससे भी कट कर सकते हैं. जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, अगर आगे हो जाएं आप तो हमें दूसरे की जगह मिल जाएगी. थैंक यू. चलो ये रहा दूसरा. हादी इतना स्वीट बच्चा है, बहुत टाइम के बाद कॉल की है बाय द वे हादी आपने. इसको स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड. और ये इस वाले पैनकेक को आपने दोनों साइड से कुक करना है. ठीक है, उस केस में आप ना भी करें कुक तो चलता है, इसको आप दोनों तरफ से करें. ऑलराइट, अस्सलाम रहीम. एक को हम फ्लिप करेंगे इधर. यस गॉर्जियस डाडाला. सही है, हाँ गुड स्मेल, सो गुड. इसको अब फ्लिप कर सकते हैं, इसको आगे कर देते हैं थोड़ा सा. No. ठीक है, अब इसी के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि ऐड करेंगे आप अपना चिकन. एक सेकेंड, हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, मैं बस आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ. आप इसके ऊपर अपना चिकन ऐड करें, चिकन और चीज़. बस एक मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगी. ठीक है, और इसके ऊपर आप ऐड कर दें चीज़ और फिर आप इसको कर देंगे कवर. ठीक है, तो ये आपका चीज़ सारा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से एंड यू विल हैव अ निफ्टी पिज्ज़ा ऑन योर हैंड्स. ठीक है, आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक. कीप वॉचिंग ब्रेक विद एन एक्सपर्ट. हाय यू गाइस, वेलकम बैक. मैंने ना देखें वो बना के उधर रख दिया है. इसके ऊपर सॉस डलेगा और बाकी गार्निशिंग डलेगी, बाकी चीज़ें. और इस तरह से आपने करना है कि इसको ऊपर चीज़ डालें और फिर इसको ढक दें तो वो स्टीम से चीज़ मेल्ट हो जाएगी और आपका इन अ वे ज़ीरो एफर्ट पिज्ज़ा तैयार हो जाएगा. नॉट ट्रू दो, एफर्ट है बट स्टिल पिज्ज़ा डो बनाने से कम एफर्ट है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, हैंड्स वॉश. आपने स्वीट के साथ, स्वीट पैनकेक या कताइफ के साथ, एक सेकेंड, सर्व करने के लिए हमने बनाना है रोज वाटर सिरप. ठीक है, प्रेस एंड होल्ड. इसके अंदर आपने ऐड करना है हाफ एंड हाफ शुगर सिरप डलता है. शुगर सिरप जो बनता है ना वो होता है आधा चीनी आधा पानी. यानी लेट्स से अगर आपने 50 ग्राम्स चीनी लिया है तो 50 ml पानी. ठीक है, तो यहाँ पे 70 है. ये हो गया है, इसको उतार देते हैं. चलो जी, नाइसली मेल्टेड चीज़ ऑन टॉप. वन लास्ट एंड देन वी डन. पानी डाल दिया है, वो इवेपोरेट हो रहा है, थोड़ा और ऐड कर दूंगी मैं. चीनी ऐड कर देते हैं, चीनी आधा, यानी 70 ml पानी एंड 70 ग्राम्स चीनी. ओके, लेट्स जस्ट मेक वन
more. Last one actually. Okay. खुद इसको ना स्पून से स्प्रेड आउट कर दें, हेल्प कर दें इसकी स्प्रेड होने में, ताकि वो गट्ठा गट्ठा या कहीं से बहुत मोटा या उस तरह वाला ना बने. ठीक है, ये पीछे रख देते हैं. और जो आपने अभी शुगर और वाटर ऐड किया है ना फॉर द शुगर सिरप, उसके अंदर हम एक टेबल स्पून लेमन और एक टेबल स्पून वो ऐड कर रहे हैं रोज वाटर. वैसे आप इसको वनीला सिरप के साथ भी बना सकते हैं, बट वी आर कीपिंग इट ट्रेडिशनल ओवर हियर. लेमन जूस एंड वी हैव रोज वाटर एंड विल फ्लिप दिस. बन गया है मज़े से, जल्दी से बन जाता है. इसका मन नहीं डन. अच्छा जी, इस ओके हेलो अस्मा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू सबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे. माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही होती हैं आप जब हंसती हैं, और छोटी छोटी सी शरारतें साथ साथ आप कर रही होती हैं. थैंक यू. हाँ, आई लाइक टू कीप इट इंटरेस्टिंग दैट वे. कैसा है आपका रहा ये कराची का फेस्टिवल था? हम लोग तो बहुत मिस कर रहे थे भाई. अरे पता है, वो सच अ हिट अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा गया एक्चुअली, बहुत ज़्यादा हमें भी मज़ा आया. एंड आई एम थिंकिंग जो लोग आए थे, सिंस उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उनको भी बहुत मज़ा आया. दूसरा साल शुरू हो गया है, नहीं तो पिछले साल हम यूँ बोले थे ना अगले साल आएंगे. लास्ट ईयर तो टू टाइम्स हुआ था ना, तो इस साल भी चलें कर लें कुछ ऐसे ही ट्विस्ट. चलें सही है. और बताएं क्या अच्छा करना? आपने ना मुझे थैंक यू और एक रिक्वेस्ट करनी थी. आपने डोनट्स के लिए ना डिफरेंट ग्लेज बतानी है. अच्छा ठीक है. मैंने देखा था आपका एक प्रोग्राम जिसमें आपने ना लाइट ब्लू कलर की बड़ी अच्छी ग्लेज बनाई थी. आई डोंट नो कि वो किस चीज पे थी, लेकिन मैंने वो देखी थी टाइटल में. एक तो आपने मुझे दिखानी है, मैं खुद देखूंगी पहले वो क्या था, जिसमें स्ट्रॉबेरी ग्लेज भी होगी और जिसमें आपने मुझे लाइट ब्लू वाली ग्लेज बनाती है वो भी. डन डन डन. थैंक यू, थैंक यू. चलें, थैंक यू. ब्रेक पे जा रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम ब्रेक से होकर आते हैं. कीप वॉचिंग ब्रेक विद एन एक्सपर्ट. हाय गाइस, वेलकम बैक. अच्छा जी, हो गया है, सब कुछ हो गया है. हम लोग ना ये कर रहे हैं कि अब आपको ना मैं असेंबली दिखाऊंगी उसकी, फताइफ की स्वीट सेमलिना पैनकेक्स की. ठीक है, यहाँ पे मैंने बना के रख दिया हुआ है शुगर सिरप विद रोज़ वाटर एंड लेमन जूस. लेमन जूस वैसे भी अगर आप रोज़ वाटर ना भी डालें ना, तो थोड़ा सा आपको डालना होता है ताकि वो ना हो, क्रिस्टलाइज ना करे आपकी शुगर. होता ये कि शुगर वापस से सेट होने लग जाती है तो वो सख्त हो जाता है. तो साउंड दे रहे हैं हमारे कैमरामैन. अच्छा, तो खैर, तो वो सख्त होता है, उसके लिए हम ऐड करते हैं लेमन वाटर, थोड़ा सा लेमन जूस, ताकि वो क्रिस्टलाइज ना करे. ठीक है, सिंपल साइंस गोइंग ऑन बिहाइंड इट. ये रहा खताइफ की फिलिंग. ठीक है, इसको डाल देंगे हम पाइपिंग बैग में. पाइपिंग बैग भी ये रहा. और जी, मैं वैसे इसको ना थोड़ा सा शेप देने के लिए थोड़ी डेफिनेशन, ताकि वो यू नो आड़े टेढ़े ना लगें. इसको आप कोई भी सर्कल कटर से कर लें, या आप ग्लासेस वगैरह से भी कर सकते हैं, जो ये होते हैं ना पानी पीने के ग्लास, उस तरह से, या चाय का कप वगैरह. तो वो इतना शार्प एज नहीं होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो इस तरह से इतना क्लीनली कट नहीं करेगा. तो आप उसको रख के और फिर छुरी से उसका एक वो सर्कमफेरेंस बना सकते हैं उसके साइड्स पे. सही है, तो नीट हो जाएगा ये, नीट. वैसे ज़रूरी नहीं है ये करना, यानी यू कैन टोटली नॉट डू दिस एंड स्टिल मेक कताइफ.
एंड इट विल टेस्ट गुड. ऐसा नहीं है कि उसका जायका नहीं आएगा. अच्छा अच्छा सिंस ये खा सकते हैं तो वी आर नॉट ट्रैशिंग इट, वी जस्ट पुट इट ऑन द साइड. ओके ये हो गया. देन आई हैव, देखो इसको ज़रूरत नहीं है, नहीं करी मैं. ओके ठीक है ये हो गया. इसके ऊपर अच्छा वैसे ट्रेडिशनली पिस्ताशियोज के साथ बनते हैं ठीक है नट्स. तो अगर आपके पास पिस्ताशियोज नहीं है, मैंने थोड़े से आमंड्स भी रखे हैं, आमंड्स हैं आमंड्स यूज़ करें. और अगर वैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं और अगर कोई बच्चे नट एलर्जिक हैं तो आप स्प्रिंकल्स यूज़ कर लें ठीक है. तो हम वो हर तरह से ना मैं आप लोगों को एक एक फिलिंग शो कर दूँगी ताकि आप लोग जैसे चाहें इन्जॉय करें ठीक है. ये वाले थोड़े थिक है, ये साइड पर आ गया. इसकी टिप कट करते हैं अवे फ्रॉम फूड, वी डोंट वांट टिप इन द फूड. इस तरह से बिस्मिल्लाह रहीम. मैं इसका प्लेटर, एक सेकंड प्लेटर निकाल लूं. ये रहा कोई ऐसा सच ब्यूटी की जरूरत नहीं है, बगैर पाइपिंग डिप के भी कर सकते हैं. अच्छा व्हाट यू वांट टू डू इज वेल यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट इफ यू वांट टू फॉलो इट ट्रेडिशनली तो उसको आपको एक साइड से पिंच करना है, एक एक बॉर्डर से ठीक है. एक बॉर्डर से इसको पिंच कर दें आपस में ऐसा कि ये बिल्कुल बंद हो जाए ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ताकि बेसिकली जो आप जब आप फिलिंग डालें ना तो वो इसके अंदर ही रहे और बाहर ना आए ठीक है. ऐसे करके पहले मैं सारे पिंच कर दूँ ठीक है. पहले हम ये रहे काइंड ऑफ सेमी सर्कल बनाएं, सेमी सर्कल में इसको फोल्ड करें और फिर इसको हाफ वे पिंच कर दें सो दैट इट होल्ड्स अप नाइसली वट एवर फिलिंग यू आर अबाउट टू पुट इनसाइड ठीक है. ये वाली साइड से पिंच कर देते हैं. अच्छा जी चलो जी, उसके बाद हम रिकैप ब्रेक पे जा रहे हैं. शो इतना जल्दी ख़त्म हो गया. अच्छा ये देखो ऐसे करके आपने पिंच किया, इट्स यू नीड टू रियली पिंच इट नाइसली, वो खुले नहीं ठीक है. अब आपको खुद ही करते हुए नज़र आ रहा होगा कि किसको कितना दबाने की कहाँ से ज़रूरत है, वैसे कर लीजिएगा. और ये देखें इस तरह से ना अंदर से फिलिंग करते हुए हम इसको गॉर्जियस नाइस एंड देन यू कैन टॉप इट ऑफ विद पिस्ताशियोज विच इज़ ट्रेडिशनल. ऑल्सो आई विल एड स्प्रिंकल्स ठीक है. आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे. Meanwhile, I'll complete this. See you guys after a recap break. Savory semolina pancakes. Ajza, suji, 100 grams. Chopped pyaz, 1 adad choti. Tomato, chopped, 1 adad. Shimla mirch, chopped, 1 adad. धनिया मुट्ठी भर, हरी मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हसबे जायका, दही 50 ml, पानी हसबे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, रेशा की हुई चिकन ऑप्शनल, मोज़रेला चीज़ हसबे ज़रूरत. तरकीब, बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें, पैन में थोड़ा सा तेल और पतला मिक्सचर फैला कर दोनों तरफ से पकाएं, टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ गरम गरम सर्व करें. स्वीट सेमोलिना पैनकेक. अज्जा, मैदा 70 ग्राम, सूजी 85 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी 350 ml, पिस्ते चॉप्ड
16 से 18 अदद, पैकेट का कस्टर्ड 100 ग्राम, व्हिप क्रीम 150 ग्राम, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, चीनी 70 ग्राम, पानी 70 ml, रोज वाटर 1 खाने का चम्मच। तरकीब, बोल में मैदा, सूजी, चीनी, नमक, खमीर और बेकिंग सोडा मिक्स करें, पानी मिलाकर हल करें और रख दें। पैन में चीनी और पानी उबालकर लीमू का रस और रोज वाटर डालकर रखें। बोल में व्हिप क्रीम को कस्टर्ड के साथ फोल्ड करें, चॉप्ड पिस्ते मिक्स करें और पाइपिंग बैग में डालकर एक साइड पर रख दें। फ्राइंग पैन ग्रीस कर लें और एक वक्त में 2 खाने के चमचे बैटर डाल के एक साइड से पकाएं। क्रीम पाइपिंग बैग में भर कर पाइप करें और चॉप पिस्ते से गार्निश करके रोज वाटर सिरप डालकर सर्व करें। हाय यू गाइस, वेलकम बैक। मैं ना इसकी एक अरेंजमेंट कर रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको पहले से भर रही थी फिलिंग, ताकि यू नो मैं ये कर सकूँ। लेट्स सी, इसके फिर हम ऊपर से लगा देंगे वो। Yes, it's okay. इसको स्प्रेड आउट करते हैं। हाँ, मेरे उसमें ना, चलो इसी को फैन आउट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलराइट यू गाइस, करके हम लोग ना एक दो पे पिस्टैशियोज लगा देते हैं। और अच्छा जी, हम लोग अच्छा जी, हमने ना ये किया है कि थोड़ा एक पे हम वो लगा रहे हैं, कुछ पे हमने आमंड्स लगा दिए हैं गार्निशिंग, कुछ पे हम आमंड्स की गार्निशिंग लगा रहे हैं। और किड्स, मैं किड्स के लिए स्पेशली एक बिट वो कर रही हूँ जिस पे हम लगाएंगे स्प्रिंकल्स, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया। फर्दर फिलिंग करके ना मैं फोटोग्राफी के लिए रखूँगी, तो फिर वो आप लोगों को बाद में नज़र आएगा, अभी के लिए ये हो गया है, ठीक है। और हमारा शो ख़त्म होने वाला है, हो गया है, कर देते हैं क्योंकि काम हो गया है काम हो गया है क्योंकि ठीक है, ओके डन। अच्छा सी, अच्छा जी, आई होप यू इन्जॉय टूडेज रेसिपीज़ टू, और प्लीज़ बताना मुझे अगर घर पे ट्राई करो, ताकि यू नो पता चले कि कैसा बना था। एंड टेक केयर, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला, एंड या विद मोर स्क्रम्पशियस रेसिपीज़। टेक केयर, बाय।